तो गाइस वीडियो का टाइटल पढ़ के तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि आज क्या होने वाला है। एंड यार आई एम सो एक्साइटेड, ओके, एंड मे बी यू ऑल आर एक्साइटेड टू। एंड यार मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ओके, क्योंकि भैया का कॉल ऑलरेडी आ चुका है एंड मुझे अभी अभी निकलना है, ओके। सो ये भी एक मतलब सडन व्लॉग, सुबह से व्लॉग, मैं कोई भी व्लॉग सुबह से स्टार्ट नहीं करता हूँ, वैसे एक दो किया है, तो यार जब भी सडन व्लॉग हो जाता है। एंड यार चलते हैं, लेट्स गो, क्योंकि भैया का कॉल आ चुका है एंड जल्दी से जाना पड़ेगा, क्योंकि यार जो सेल कर रहे हैं वो ऑलरेडी मतलब बोल दिया है कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे जाना है, सब कुछ उसने बोल दिया है। एंड रास्ते में जाते जाते आप लोगों के साथ तो बातें होती ही रहेगी। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द व्लॉग, लेट्स गिव द इंट्रो। हे होलिक्स, व्हाट्सअप, मैं आ गया और एक नई वीडियो लेके और एक नया व्लॉग वीडियो लेके। एंड यार एंजॉय द व्लॉग। पे मैंने ऑडियो देने के लिए कोशिश किया बट ये मैं जो बोल रहा हूँ ना फिलहाल ये इतना क्रिंज आया है इतना बैकग्राउंड नॉइज़ के साथ, क्योंकि यार मेरे पास माइक नहीं है ना, एक एक्सटर्नल माइक नहीं है जो मैं मतलब व्लॉगिंग के टाइम यूज़ कर सकूँ, तो वो नहीं है, तो इसीलिए मतलब इतना बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है ना, कार हॉर्न्स एंड यार लोग इतना बातें कर रहे हैं, सब लोग मतलब मेरे माइक के सामने आके ही बातें कर रहे हैं, तो यार क्या बताऊँ, बहुत ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा था, ओके, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार वॉइस ओवर कर दूँ। एंड मैंने कुछ नहीं, फ़िलहाल मैंने उतना कुछ तो नहीं बोला, बस बोला कि यार उधर से हम लोग, फ़िलहाल मैं तो जा रहा हूँ अपने भैया के पास एंड भैया के घर से हम लोग एक उबेर बुक करेंगे, उबेर बुक करके हम लोग जाएंगे अशोका सिनेमा हॉल, ओके, अशोका सिनेमा हॉल में जाके वहाँ से हम लोग वो पप्पी लेंगे, फिर हम लोग फिर से एक उबेर करके थोड़ा बहुत टॉयज वॉयज लेके फिर से हम लोग चले आएंगे घर। सो या दैट्स इट। तो मैंने नोटिस नहीं किया बट उबेर भी आ चुका था, ओके, भैया ने ऑलरेडी बुक कर लिया था एंड हम लोग फुल मतलब एकदम रेडी हो गए थे। एंड यार ये देखो हम लोग निकलने ही वाले थे घर से एंड सब लोग यार करना पड़ेगा, एंड मैं मतलब एक छोटा सा वो बुआ का थोड़ा फ़ोटो ले रहा था इसीलिए मैंने वर्टिकल कर दिया, ओके। एंड या सो चलते हैं गाइस। एंड ये देखो फाइनली वी आर इन द उबेर एंड वी आर गोइंग टू टेक द लिटिल पपी। एंड यार ये देखो मतलब बैठ गया हूँ उबेर में, फ्रंट सीट पे कोई नहीं बैठा, ड्राइवर के पास कोई नहीं बैठना चाहता क्योंकि कोरोना का समय है, समझ सकते हो। एंड ये देखो गाइस वी आर फाइनली ओवर हियर एंड अशोका सिनेमा हॉल के सामने ही आ चुके हैं। ये है अशोका सिनेमा हॉल, फिलहाल तो कोई सिनेमा नहीं चल रहा है, कोरोना के टाइम है इसीलिए। एंड वी आर फाइनली हियर, तो फिलहाल थोड़ा वेट करते हैं एंड लेट माई फ्रेंड अराइव विद द पपी। एंड या फाइनली शी अराइव्ड। एंड मैं तुम लोगों को बोलना भूल गया कि यार दो चीज़ मैंने तुम लोगों को नहीं बोला कि जो सेल कर रहा था वो मेरा फ्रेंड ही था, ओके, एंड जो पपी है वो मैंने लिया था, मतलब मैंने नहीं लिया था, भैया ने लिया था, एंड वो पपी था लैब, ओके, वाइट कलर का लैब था एंड यार उसका नाम था कोको, ओके, तो कोको, लेट्स कॉल हिम कोको फॉर नाउ। एंड ये देखो कोको कितना डरा हुआ है क्योंकि यार वो मतलब नया नया गया है ना, भैया के गोद में नया नया गया है इसीलिए बहुत डरा हुआ था। एंड उसको ना एक छोटे से बक्से में लेके हम लोग जा रहे थे, बक्सा नहीं बोल सकता, एक बास्केट लेके, पिकनिक बास्केट होता है ना, उसमें हम लोग लेके जा रहे थे। एंड वो बहुत मतलब चिल्ला रहा था वहाँ पे क्योंकि वो बहुत क्लोज जगह था ना, तो इसीलिए भैया ने सोचा कि यार ठीक है मैं गोद में ले लेता हूँ। एंड ये देखो गोद में ले लिया था बट फिर भी यार बहुत फिजेट कर रहा था ना क्योंकि छोटा पपी है, तो इसीलिए बहुत फिजेट कर रहा था, इसीलिए फिर से वो देखो वो नील वाला बक्सा देखा ना आप लोगों ने, वहाँ पे ही है कोको। एंड कोको को फ़िलहाल हम लोग ले जा रहे हैं एक डॉक्टर के पास, डॉक्टर नहीं बोल सकते बट मतलब फ़िलहाल डॉक्टर के पास नहीं जा रहा हूँ, हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं उसका कुछ टॉयज़ पपीज़ एंड एक पेडिग्री ख़रीदने। एंड ये देखो हम लोग आ चुके हैं, अराइव हो चुके हैं एंड इधर देखो कितने सारे मतलब एनिमल्स का कितना सारा कुछ है यार, इधर बहुत कुछ है। एंड ये देखो दैट्स द पपी एंड कितना क्यूट है, देखो वो एकदम बहुत क्यूट है यार। एंड ये देखो फाइनली वी अराइव्ड एंड
भैया के घर में मैं फाइनली आ चुका हूँ। एंड ये देखो, ये सोया पड़ा हुआ है, क्योंकि इसने मतलब मेरा फ्रेंड कह रहा था कि ये रात भर सोया ही नहीं, ओके, मतलब खेल रहा था फ्रेंड के साथ। एंड फ्रेंड के घर में बहुत पपीज़ है, ओके, पपीज़ नहीं है, कुत्ते हैं, बड़े बड़े कुत्ते हैं, तो उन लोगों के साथ भी खेल रहा था वो, दिन रात रात फुल होल नाइट खेल रहा था। एंड ये देखो, मैं तो लग गया उसको इरिटेट करने के लिए, हाँ, वो चैन की नींद सो रहा था, मैं लग गया इरिटेट करने के लिए। एंड वो मतलब एकदम कैसे क्यूट तरीके से सो रहा है। एंड ये देखो गाइस, एकदम इधर उधर हो गया, डोरा द एक्सप्लोरर कम्स। एंड ये देखो, डोरा द एक्सप्लोरर आ गया इधर, सब मतलब फुल घर एक्सप्लोर कर रहा है वो। एंड ये देखो, इधर उधर भाग रहा है, क्या सोच रहा है कि यार मुझे कहाँ लेके आ गए ये लोग, कहाँ लेके आ गए, या नया नया जगह लेके आ गए। एंड ये देखो, सारी जगह ये एक्सप्लोर कर रहा है इधर उधर जाके। एंड कितना क्यूट है, देखो छोटा सा एकदम, कितना क्यूट है ये। मेल लैब्राडोर है, एंड वाइट कलर का मेल लैब्राडोर। ये देखो, मेरे को काट रहा है वो, एंड काटता नहीं है वो, क्या होता है ना उसके मतलब टीथ अभी भी ग्रो नहीं हुआ है, तो वो काटता नहीं है। एंड ये देखो, वीडियो कॉल पे बातचीत हो रहा था। एंड कोको इज रियली क्यूट। तो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द व्लॉग। एंड मैंने कुछ कंक्लूजन नहीं दिया, क्योंकि यार मैं बिजी था खेलने में, मैं बिजी था उसके साथ, एंड भैया के साथ गप्पे शप्पे मारने में बिजी था, तो इसीलिए मैंने यार वो क्या ना, मैंने कंक्लूजन भी नहीं दिया, एंड मैंने फर्दर रिकॉर्ड भी नहीं किया। एंड मैं आ भी गया था, ओके, दोपहर ही मैं आ गया था। सो गाइज, लेट्स गिव द कंक्लूजन, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये व्लॉग अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हिट द बेल आइकन। एंड यार, अगर आपको सच में पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ, ताकि वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर पाए, जान पाए मेरे को। एंड या मिलते हैं आप लोगों से अगली व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बी सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।